तो हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक? आई होप कि ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। ठीक है, तो आज का बच्चे हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अपॉन विच द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड्स। ठीक है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस है जो किसी मटेरियल की वो डिपेंड करती है। ठीक है, इससे पहले वाले जो वीडियो था बच्चे, उसमें हमने ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था डिटेल में। ठीक है, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस हमने कर लिया था, क्या होती है ये होती है एक ऑपोजिशन विच अपोजिज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, वो एक तरह से किससे ऑपोजिशन जो के करंट के फ्लो को रोकती है, यही होता है ना। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा बच्चे तो उसको पहले जरूर देखिए। ठीक है, कहां मिलेगा? इधर, इधर नहीं, इधर। ठीक है, आई बटन में मैं लिंक दूंगा बच्चे, उसमें से आप निकाल के ठीक है उसको देख लीजिएगा। चलिए, वो फैक्टर्स जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ठीक है, ये जो वीडियो है बच्चे 10th और 12th के लिए कंबाइंड बना रहा हूं मैं। अरे मेरे पे भी तरस कर लो यार, बहुत ज्यादा डाटा खर्च होता है, तो इकट्ठी बना रहा हूं मैं वीडियो। ठीक है, क्योंकि दोनों क्लासेज में ये वाला जो टॉपिक है बच्चे वो ठीक है सेम है, कॉमन है। अब देखिए, रेजिस्टेंस उस दिन हमने पढ़ा था बच्चे होती किसके इक्वल है, ये होती है इक्वल टू वी ओवर आई, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट। ठीक है, यही होता है पोटेंशियल ओवर करंट। चलिए, लेकिन इन दोनों के ही ऊपर बच्चे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड नहीं करती, इनको डिवाइड करके हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस पोटेंशियल या करंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि देखिए, रेजिस्टेंस जो है मटेरियल की वो वही रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा हम जैसे बोल देते हैं कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस और करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस के ज्यादा या कम होने से करंट कम या ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि करंट के कम या ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सम बट कंफ्यूजिंग। चलिए, करंट रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस बच्चे जितनी थी उतनी ही रहेगी, अगर मटेरियल की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें से करंट कम पास होगा। समझे, ऐसा नहीं होगा कि अगर करंट कम पास हो रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, या फिर करंट कम ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इनके ऊपर तो डिपेंड नहीं करती, इट मींस ठीक है देयर आर सम अदर फैक्टर्स, ठीक है, विच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो वो कौन से फैक्टर जो है बच्चे, ठीक है, ये हम सीधा मतलब टू द पॉइंट आते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा भकाई मारने की जरूरत नहीं है हमें। चलिए, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, ये सबसे अच्छा तरीका है, जब कुछ ना पता हो लिख दो इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, काम ही नबेड़ दिया, कहे भैया एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया है। ठीक है, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, है बच्चे बहुत कुछ है बताने को, ठीक है, लेकिन वो चीजें आपके लेवल की नहीं है अभी। ठीक है, वो हायर क्लासेज में जाके आपको आएंगे। ठीक है, अगर मैं वो बताने अब यहां पे लग गया, ठीक है, फिर पूरी वीडियो उसी पे रहेगी। ठीक है, तो इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल इज पहला पॉइंट is directly proportional to किसके directly proportional है, करंट के भैया, अरे नहीं करंट के नहीं, लेंथ के, लेंथ ऑफ कंडक्टर।
ठीक है, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है ऐसे। ठीक है, मान लीजिए ये लेंथ है कंडक्टर ऐसे, ठीक है, दैट इज रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकंड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी ही रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा होता है, ये वाला, यहां से क्रॉस होने हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये एल लेंथ होगी, ये है उसका एरिया, ठीक है, दैट इज रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, देखिए दोनों का सेंस क्या बनती है, क्या पढ़ा था हमने रेजिस्टेंस के बारे में, कि ये ऑपोजिशन होती है जो कि फ्लो ऑफ करंट को रोकती है, ठीक है, यही है। अब करंट कब फ्लो करता है, जब चार्ज फ्लो करता है, ऑब्वियस, ठीक है, इसका मतलब ये सीधा सीधा चार्ज के फ्लो को रोक रही है, ठीक है, पॉइंट। तो हमने ये भी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस होती क्यों है, उसका कॉज क्या है, क्या था कॉज बच्चे, कॉज होते हैं उनके कुलिजन्स, कुलिजन्स, ठीक है, कुलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट मटीरियल, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ या फिर किसी एटम या मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, कोलाइड करते हैं तो उनका मोशन रुक जाता है एक तरह से, ठीक है, वही मोशन रुक गया तो करंट रुक जाएगा, तो एक तरह से ऑपोजिशन हो गई, ठीक है। अब देखिए कोलिजन्स बेसिकली उसका कॉज होते हैं, देखिए जितनी लेंथ बड़ी होगी बच्चे, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे कोलिजन होने के, है ना ऐसा, ठीक है, जितनी लेंथ बड़ी होगी उतने वो ज्यादा कोलिजन बच्चे एक्सपीरियंस करेगा, तो जितने कोलिजन ज्यादा होंगे उतनी ही रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना एरिया ज्यादा होगा, वायर जितनी ज्यादा मोटी होगी, थिक होगी, उतना ही इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एरिया मिलेगा कि वो पार कर जाए, ठीक है, अगर कम होगा तो कोलिजन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, अगर ज्यादा है तो उनके पास स्पेस ज्यादा है, ठीक है, पार जाने के लिए, तो कोलिजन कम होंगे, जब उनके पास स्पेस ज्यादा होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। नाउ नेमिंग दीज इक्वेशन टू बी वन एंड टू नंबर, ठीक है, कंबाइन कर दीजिए दोनों को, कंबाइनिंग वन एंड टू क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए, ठीक है, क्या आ गया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए, एल क्या है लेंथ, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। नो कंबाइन कर दिया बच्चे इक्वेशन को, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। अब इसका क्या करेंगे, ये जो बीच में घुस गया है इसको हटाना पड़ेगा, क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटा के बच्चे हम कांस्टेंट लगाते होते हैं, कांस्टेंट हम यहां पे लगाएंगे रो, रोना नहीं है, इसका नाम है रो, ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब ये क्या शय है, इस शय का नाम क्या है, नाम है रो, ठीक है, क्या है ये, रिप्रेजेंट क्या कर रही है, दिस इज, ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड, नाम है बच्चे इसका इलेक्ट्रिकल, क्या था, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है,
ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है, ठीक है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बट इट्स नेम इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। जिस मटेरियल के हमने लेंथ और एरिया लिया है बच्चे, उसी की ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे, रेजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है। उससे पहले जो रेजिस्टेंस है, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता दूं बच्चे, रेजिस्टेंस जो है इन दोनों के ऊपर तो डिपेंड करती है, बट इट आल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। किसके ऊपर? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है बच्चे। अब आप बोलोगे कि अलग से क्यों बताया, इसके बीच क्यों नहीं आया? अरे अच्छी शायरी जुड़ गई, ठीक है। टेम्परेचर बच्चे एक्सटर्नल फैक्टर है, ये दोनों इंटरनल है, ये कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। टेम्परेचर उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो बाहर से है, ठीक है। टेम्परेचर हम उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज करके हम उस मटेरियल का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है वो कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, बट ये आपको याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस है इट डज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। कैसे डिपेंड करती है? अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस है बच्चे, ये इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकंड, अगर सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बात करें, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है, इनकी जो रेजिस्टेंस है बच्चे वो होती है डिक्रीज, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये क्यों होती है? 12th क्लास को ये टॉपिक है, डिटेल में है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। 10th के लिए इतना आपको काफी है बच्चे, याद रखना, ठीक है। टेम्परेचर पे भी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है, ठीक है। फिलहाल हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अगर यहां से देखें तो क्या आई? रो किसके इक्वल आया बच्चे? आर ए ओवर एल, आर ए ओवर एल, इसी रिलेशन से, ठीक है। अब यूनिट क्या बनेगी रेजिस्टिविटी की? रो क्या है, सॉरी आर क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम, ठीक है। ए क्या है? एरिया। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। एल क्या है बच्चे? लेंथ। लेंथ की क्या होती है? मीटर, ठीक है। तो यूनिट क्या बन गई हमारे पास? ये आया ओम मीटर, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है। अब देखिए, रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? दोनों ही रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये एक साथ साथ चलती हैं, ये साथ साथ चलती हैं। रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, अगर रेजिस्टेंस कम है तो रेजिस्टिविटी भी कम है, लेकिन दे आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज, ठीक है। वो दोनों क्या है? डिफरेंट क्वांटिटीज है बच्चे, वो भी आपको बताता हूं। पहले रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कर लें, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, इफ ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, या फिर 1 यूनिट ले लीजिए, यूनिट कोई भी हो सकती है, एंड एल इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। यूनिट का मतलब कोई भी यूनिट लगा लीजिए आप, एरिया की मीटर स्क्वायर हो सकती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, वैसे ही लेंथ की, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाली कंडीशन है तो रो किसके इक्वल आया? किसके इक्वल आ जाएगा? ये 1, ये भी 1, किसके इक्वल आया? आर के इक्वल। तो यहां से हम बच्चे इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर से वही चीज, रो और आर इक्वल लिख तो दिए हमने, लेकिन वो कब है? जब ये कंडीशन जो होगी, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं है, ये एक क्वांटिटी नहीं है, ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है। आगे करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेजिस्टिविटी
इट्स न्यूमेरिकली इक्वल टू, ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल टू नंबर्स में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के, लेकिन कब है, कब है, जब ये चीजें हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चलिए ठीक है, ये है डेफिनेशन रेजिस्टिविटी की, समझे, वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, कब होगी, जब कंडक्टर की लेंथ भी यूनिट है, वन है, और उसका एरिया भी यूनिट है, वो भी वन है, ठीक है। इसके बाद बच्चे, इसके बाद आएंगे, अभी मैं आपको इन दोनों में थोड़े से डिफरेंस बताता हूं बच्चे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच डिफरेंस क्या है, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, नेम ऑलमोस्ट मतलब सेम है दोनों के, और आपको ये भी बताया कि दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है बच्चे, डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, एक तरह से ऑपोजिशन है टू फ्लो ऑफ करंट, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, ये भी एक तरह से ऑपोजिशन है, लेकिन ये वो प्रॉपर्टी है बच्चे, ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये ऑपोजिशन है, ठीक है, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द ऑपोजिशन एग्जिस्ट, ठीक है, ऑपोजिशन एग्जिस्ट, ठीक है। सेकंड, बहुत बड़ा जो डिफरेंस है दूसरा, ठीक है, यहां से देखिए, आर लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया मतलब वो कंडक्टर की डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, डिपेंड अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, बट जो रेजिस्टिविटी है, देखिए फिर से, रेजिस्टिविटी यहां से आपको लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे, लेंथ पे, नहीं नहीं, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टिविटी जो है वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये तो है ही कॉन्स्टेंट, हमने कॉन्स्टेंट लिखा था ना, तो ये इन पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर पे, रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बच्चे, जब तक लेंथ एरिया जो है चाहे वो चेंज होते रहे, ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड जो डिफरेंस है, थर्ड डिफरेंस इनकी यूनिट्स के बीच है, इसकी यूनिट ओम, इसकी यूनिट क्या है, ओम मीटर, यही थी, ठीक है, ठीक है, और सिमिलैरिटी भी है, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो भी डिपेंड करती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द डिफरेंसेस, ठीक है, बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है, चलिए इसके बाद
नेक्स्ट थिंग इज, अभी देखिए हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, ठीक है। तो बहुत सी चीजें हैं जो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड बच्चे आपको हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दो वायर जो है ऐसे, ठीक है, वी आर हैविंग टू वायर्स, लेट, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया सेम है लेकिन उनकी जो लेंथ है वो क्या है, वो डिफरेंट है। ऐसे ये है वायर ए, ये है वायर बी, तो दोनों में से किसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी। मटेरियल सेम है, मटेरियल क्या है, मटेरियल सेम है, मान लीजिए दोनों का कॉपर है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हमें बताना है क्या होगा। जिसकी लेंथ ज्यादा है बच्चे उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और रेजिस्टिविटी वो कम होगी नहीं, ठीक है। रेजिस्टिविटी तो बच्चे डिपेंड करती ही नहीं अपॉन डायमेंशन, जब तक मटेरियल सेम है, फिर से जब तक मटेरियल सेम है तब तक रेजिस्टिविटी सेम रहेगी उसका, चाहे कोई भी एरिया हो चाहे उसकी कोई भी लेंथ हो, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। दूसरी चीज अब देखिए, दोनों का एरिया क्या था, सेम था, अगर हम लेंथ को सेम रख दें, लेंथ को हम सेम रख रहे हैं लेकिन एरिया जो है वो डिफरेंट है अंकल, ऐसे अब क्या होएगा, मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, सेम रहेगी, रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, जिसका एरिया कम है, ठीक है। लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जिस वायर का जो एरिया है वो कम है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चे आइए, इसके बाद चलते हैं हम कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के ऊपर, क्या है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टेंस जो है इसको के से डिनोट किया जाता है, के नहीं है बेसिकली, इसको कैप्पा बोलते हैं, क्या, कैप्पा, और जो कंडक्टिविटी है इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी है क्या, देखिए, कंडक्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, ठीक है, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो ऐसे लिखेंगे इसको 1/RK, ठीक है। तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, तो ये क्या बन गया, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या फिर इसी को बच्चे ओम इनवर्स है, इसके हम लेटर्स को रिवर्स कर देते हैं, एम पहले लिख लो, एच उसके बाद, ओ उसके बाद, इसकी यूनिट होती है मो, ठीक है, मो, वो उसकी ओम, इसकी मो, मो की जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसी की यूनिट है बच्चे साइमन, क्या, साइमन, एस आई से लिखा जाता है, ठीक है। दूसरी टर्म है हमारे पास कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। अब कंडक्टिविटी क्या है, ये है रेसिप्रोकल ऑफ द, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, किसका, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है मटेरियल, ठीक है। अब देखिए याद रखने के लिए, इसका जो प्रीफिक्स है वो है टेंस, इसका भी टेंस, ठीक है, इसका विटी, इसका भी विटी, ठीक है, टिबिटी लिख लो, टी आएगी तो कॉमन है ना। चलिए कंडक्टेंस
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 1/ρ, जो अब हम अभी रेजिस्टिविटी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी बच्चे, ओम मीटर थी। इसकी क्या बन जाएगी, रेसिप्रोकल है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स को क्या लिखा था, मो, हमारा प्यारा दुलारा मो, मो पर मीटर, ठीक है। या फिर मो को ही क्या लिखा था, साइमन, तो साइमन पर मीटर, ठीक है। ये थी इन दोनों की डेफिनेशन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है बच्चे, अच्छे से कीजिए इन टॉपिक्स को, स्पेशली जो रेजिस्टेंस की इंडिपेंडेंस वाला हमने किया, उसके ऊपर आपको जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल जो है वो आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अच्छे से रिवाइज कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हुई बच्चे इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चे।